ओके हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सैनी। मैं आपको आज बताऊंगा कि इस ट्यूटोरियल से मैं आपको आज अवगत कराऊंगा कि हाउ टू कनेक्ट अनदर पीस कंप्यूटर बाय एन कंप्यूटिंग डिवाइस। हम कैसे एन कंप्यूटिंग डिवाइस के जरिए अन्य पीसी को, दूसरे पीसी को, कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट की जाती है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आज। इससे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो वो सॉफ्टवेयर आप मेरे www.cpmsaini.blogs.in से ले सकते। एक मिनट, मैं आपको उसका दे देता हूँ कौन सा ब्लॉग है। एक मिनट, आप यहाँ पे www.cpmsaini.world.blog.com पे जा सकते हैं। cpmsaini.blogspot.com इसके लिए ओके। यहाँ पे एन कंप्यूटिंग का एक आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर, टू कनेक्टिंग पीसी पे। ये सब एन कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड फॉर विंडो एक्सपी, विंडो 7 सर्वर पे। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने बता रखी है, इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन है। और मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, मेरे नंबर है नीचे 9667119900। ट्यूटोरियल के जरिए आपको कैसे कनेक्ट की जाती है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। क्लिक करते ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ कैसे हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास आपको जो पैकेज मिलेगा वो ये पैकेज मिलेगा। इस पैकेज में आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर विंडो सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए, इंस्टॉलेशन ऑफ होस्ट पीसी पे कीजिए। ये जो वर्किंग है ये ओनली विंडो 7, विंडो एक्सपी 2003 और 8 के लिए वर्किंग है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर भी है, तो मैं आपको, आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दूंगा विंडो 10 के लिए भी, विंडो 8.1 के लिए भी। आप ओपन कीजिए इस फोल्डर को। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाइए, यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद आप विंडो 7 पे, अगर आपका पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 है तो विंडो 7 कीजिए, अगर और कोई है तो और कोई किसी पे कीजिए। विंडो 7 पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कम कीजिए, यस कीजिए।
ओके कीजिए और सिंपल इंस्टॉलेशन पे भी क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए ओके और इसको बंद कीजिए ओके बंद कीजिए ओके। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सॉरी कुछ भी नहीं है सर, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है मैंने सामने, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। सिटी सेनी ब्लॉग सिटी सेनी वर्ल्ड ब्लॉग्स एक मिनट यूआरएल है उनके सामने, ये यूआरएल है लगाइए blogspot.com cpmsnblog.blogspot.in यूज कीजिए, आउट कनेक्शन विंडो पीसी पे क्लिक कीजिए। इसके लिए आपको इंस्टॉल मल्टी यूजर पेज ऑन योर होस्ट पीसी एंड रिस्टार्ट। फर्स्ट लाइन है इंस्टॉलेशन मल्टी यूजर पेज ऑन होस्ट पीसी एंड रिस्टार्ट द पीसी। आप पहले उस पे सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉलेशन होस्ट इंस्टॉल करेंगे, जो मैंने ये किया है इंस्टॉलेशन पे, इंस्टॉलेशन पे डबल कीजिए जो मैंने पहले बताया था आपको। उसके बाद आपके पीसी को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट होने पर क्रिएट यूजर यूजर्स एंड विद पासवर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर राइट। आप अपने यूजर पे कंट्रोल पैनल पे अपने पासवर्ड क्रिएट कीजिए यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाइए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड प्रोटेक्ट कर कीजिए ओके। उसके बाद आप करने के बाद आप एबल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, हमने क्या करना है एबल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करना है और विंडो फॉरवर्ड शुड बी ऑफ करना है। तो आपको दो काम करने हैं, हम पहले तो विंडो रिमोट कनेक्शन एबल करेंगे। इसके लिए हम प्रॉपर्टी पे जाइए, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ रिमोट सेटिंग में जाइए। रिमोट सेटिंग करने के बाद अलाउ कनेक्शन रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप लेस सकते तो ओके सही है ओके कीजिए ओके कीजिए। उसके बाद आप मैंने बताया कि हमें क्या करना है, हाँ चौथा चौथी स्टेप है विंडो फॉरवर्ड शुड बी ऑफ। तो ये विंडो फॉरवर्ड शुड बी ऑफ करना है आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही कंट्रोल पैनल पे जाना है हमें। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद हमें सिस्टम सिक्योरिटी में जाइए, विंडो फॉरवर्ड में जाइए, विंडो फॉरवर्ड के टर्न ऑफ फॉर ऑफ में जाइए और इसको टर्न ऑफ कर दीजिए ठीक है। टर्न ऑफ है ओके कीजिए ओके। टर्न ऑफ करने के बाद आपको करना है सेट आईपी ऑन बोथ साइड होस्ट पीसी एंड थिंक क्लाइंट। तो ये थोड़ा कठिन है, कठिन तो कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको आईपी सेट करनी है। तो आपकी पीसी में आईपी सेट करेंगे हम और एक क्लाइंट पीसी पे आईपी सेट करेंगे। तो इसके लिए हम
पेंट पे क्लिक कीजिए, सॉरी पेंट पे आपको कुछ क्लिक नहीं करना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यह आपका पीसी है और एक क्लाइंट पीसी है, ठीक है ना। ये आपका पीसी है, सर्वर कितने जिसे हम, और ये आपका पीसी है सर क्लाइंट। ओके, तो इसमें आईपी आपको लगानी है 192.168.1.100, और इसमें जब हम आईपी लगाएंगे, इसमें लगाएंगे 192.168.1.100 से लगाएंगे, यानी 0.01.0.100.0.102। नेक्स्ट आईपी जैसे नेक्स्ट पीसी जोड़ना है तो उसके लिए हमें जैसे नेक्स्ट पीसी जोड़ना है तो नेक्स्ट पीसी के लिए हम लगाएंगे आईपी बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, 100 की जगह 102 कर देंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें आईपी लगानी तो यहाँ लगाएंगे हम आईपी, इस पीसी के लिए आईपी लगाएंगे 192.168.1.103, ऐसे लगाते जाएंगे। ये सब मेन पीसी को, मेन पीसी के आईपी मेन ही रखेंगे हम, मतलब 100 रखेंगे, बाकियों के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब बढ़ाते रहेंगे। जो सब जैसे कि मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मेरे कंप्यूटर में, तो हमें क्या करना है, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाइए, यहाँ पे ये आईपी सेट करनी है हमें, जैसे जैसे हमें 1 नेटवर्क ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी जाने वाले हम आईपी वर्जन आईपी वन टीसीपी फोर आईपी वर्जन चूज करेंगे, और यहाँ पे हम आईपी अपनी आईपी डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, सब हटा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे ये ओविटेंडली पे सब हटा देता हूँ, यहाँ पे 192.168.1.100, ठीक है, ये अपना आईपी रहेगा। फिर टैब बटन दबा के हम ये डिफॉल्ट रखेंगे, और इसमें भी हम 192.168.1. इसमें हम 1 रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। डिफॉल्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 इसमें भी मैं एडिट करते हैं। ओके, अल्टरनेट 1 कर लेते हैं अल्टरनेट, ओके कर दीजिए, क्लोज। इसके बाद हम ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन 100 वाली आईपी की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इससे हम जो भी पीसी कनेक्ट करेंगे, अब नेक्स्ट पीसी जो भी हम कनेक्ट करेंगे, जो भी नेक्स्ट पीसी कनेक्ट करेंगे, ये 100 वाली जो आईपी है, इस आईपी से हम लगाएंगे ये आईपी सब
सब नेट मार्क्स भी ये रखेंगे और डिफॉल्ट आईपी से कोई मतलब नहीं है अपना, बस मेन ये आईपी है, दो आईपी थे, तो 192.168.1.100 से हम जोड़ेंगे तो 101, 102, 103, 104, 105 रखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन ये कर दी हमने, उसके बाद हम गो टू रन एंड टाइप gpedit.msc। तो इसके लिए हमें हम क्या करेंगे अपना विंडो की दबाएंगे, विंडो की प्लस आर से हम कमांड पे जाएंगे, cmd कमांड लिखेंगे, cmd एंटर करेंगे और इसमें लिखेंगे कंट्रोल आर पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे gpedit.ms, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगी ये। इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें क्या करना है, जैसे इससे फॉलो करना है, एक्सपेंड द लिस्ट एंड स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट विंडो कंपोनेंट रिमोट डेस्कटॉप सर्विस रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट सिक्योरिटी डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड यूज ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लेयर फॉर रिमोट आर डीपी एंड कनेक्शन देन क्लिक ऑन द एबल एंड रिस्टार्ट। तो ये हमें पूरा करना है, तो इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पल में जाइए, विंडो कंपोनेंट में जाइए और विंडो कंपोनेंट के बाद हमें जाना है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस ये, इसमें जाना है, फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर में गए, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बाद रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट में जाना है, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट ये वाला नीचे वाला, फिर इसमें जाना है हमें सिक्योरिटी में हमें जाना है RDP कनेक्शन, इसमें जाना है, इसमें डबल क्लिक करना है, डबल कनेक्ट करने के बाद इसको हम एबल करना, एबल करने के बाद ओके करना है, अप्लाई, ओके, ये काम करना है हमें, एक मोस्ट है ध्यान रखना है इसको। ओके, क्लोज, इसको क्लोज कर दीजिए, बाद में हमें इसको पीसी को क्या कर लेंगे, रिस्टार्ट कर देंगे। आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे क्लाइंट पीसी, गो टू क्लाइंट साइट एंट्री और सर्वर आईपी एट हिट बटन एंड कनेक्ट, हम एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमें जिस पीसी को भी कनेक्ट करना है उसके लिए हमें आईपी अलग से रखनी है और ये रखना है, तो उसके लिए फिर एक और चीज हमें करनी होती है वो ये है, जैसे कि हमें दूसरे पीसी को कनेक्ट करना है तो पासवर्ड रिक्वायर्ड पासवर्ड मांगेगा, तो उसके लिए आप पासवर्ड देना होता है, तो उसके लिए हमें दो काम करने हैं, एक तो मैनेज पे जाइए कंप्यूटर मैनेज पे और लोकल यूजर, इस यूजर पे जाइए, जैसे हमने कोई भी पीसी बनाया है उसको सर्वर आईपी आपने 192.168.1.100 दी है, 2 दी है, 3 दी है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी होती है, वो ये है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू यूजर बनाइए, न्यू यूजर में आपने जिसे पीसी 1, 2, 3, 4 कुछ भी दिया, यहाँ पे S1 लिखेंगे या कुछ भी लिखो आपके S1 PC1 और यहाँ पे हम पासवर्ड
1 2 3 4 5 मैं जैसे ये दे रहा हूँ इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ से इसको हटा दीजिए, पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक कीजिए और नेवर चेंज पे क्लिक कीजिए और क्रिएट कीजिए। इस तरह आप जितने भी पीसी बनाएंगे, जितने भी पीसी कनेक्ट करने हैं, उस तरह सभी के अलग अलग यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड इस कंप्यूटर मैनेजमेंट में यूजर के अंदर बनाएंगे, उसमें पासवर्ड रखिए। फिर इसको हम माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाइए, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको वही रिमोट सेटिंग, रिमोट सेटिंग में सिलेक्ट यूजर, ऐड, एडवांस, फाइंड। अब ये फाइंड पे आपको जाना है S1, जैसे मैंने S1 पीसी क्रिएट किया तो S1, ओके ओके, यहाँ पे S1 आ गया आपका पीसी, ओके ओके। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी, देन आफ्टर आप इस पीसी को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपके क्लाइंट पीसी पे जाइए, क्लाइंट पीसी पे आपको क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया, उस पे जो आईपी आपने से क्लाइंट पीसी है इस पे आपको आईपी 192.168.1.100 देनी है डिफॉल्ट आईपी, और मेन जो आईपी है वो आपको 92.168.1.100 देनी है। तो जिस पीसी से आप कनेक्ट कर रहे हो, ये जिस पीसी से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वो इस पीसी से देना है। कहने का मतलब यह है कि जो ये आईपी है वो ये आईपी में एक गेटवे के रूप में देनी है, और ये आईपी है वो आपको डिफॉल्ट आईपी देनी है जो इस क्लाइंट पीसी के लिए, इसके खुद के लिए रहेगी इस पीसी के लिए। और जो जिस पीसी को आप कनेक्ट करना चाह रहे हो इस सर्वर से, तो ये 192.168.1.100 इस आईपी इसकी मेन आईपी रहेगी, इसके बाद डिफॉल्ट आईपी इसकी ये रहेगी। तो ये आईपी ये कंप्यूटर इसको एक्सेस करेगा इस आईपी के द्वारा, और ये आईपी से ये कंप्यूटर एक्सेस करेगा इसको। तो इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप मुझे एक बार कॉल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सैनी। मैं आपको आज बताऊंगा कि इस ट्यूटोरियल से मैं आपको आज अवगत कराऊंगा कि हाउ टू कनेक्ट अनदर पीस कंप्यूटर बाय एन कंप्यूटिंग डिवाइस। हम कैसे एन कंप्यूटिंग डिवाइस के जरिए अन्य पीसी को, दूसरे पीसी को, कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट की जाती है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आज। इससे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो वो सॉफ्टवेयर आप मेरे www.cpmsaini.blogs.in से ले सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको उसका वो दे देता हूँ, कौन सा ब्लॉग है। एक मिनट, आप यहाँ पे www.cpmsaini.world.blog.com पे जा सकते हैं। ये रहा cpmsaini.blogspot.com।
उसके लिए आप ओके यहाँ पे एम कंप्यूटिंग का एक आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर। टू कनेक्टिंग पीसी पे ये सब एम कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड फॉर विंडोज विंडोज सेवन सर्वर पे। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने बता रखी है, इस वजह से सारी कॉन्फ़िगरेशन है। और मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, मेरे नंबर है नीचे 9667119900। मैं आपको इस ट्यूटोरियल के जरिए आपको कैसे कनेक्ट की जाती है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ कैसे हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास आपको जो पैकेज मिलेगा वो ये पैकेज मिलेगा। इस पैकेज में आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर विंडो सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए, इंस्टॉलेशन ऑफ होस्ट पीसीपी कीजिए। ये जो वर्किंग है ये ओनली विंडो सेवन विंडो एक्सपी 2003 और 8 के लिए वर्किंग है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर भी है तो मैं आपको, आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दूंगा विंडो 10 के लिए भी, विंडो 8.1 के लिए भी। आप ओपन कीजिए इस फोल्डर को। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाइए, यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद आप विंडो 7 पे, अगर आपका पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 है तो विंडो 7 कीजिए, अगर और कोई है तो और कोई किसी पे कीजिए। विंडो 7 पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कम कीजिए, यस कीजिए, ओके कीजिए और सिंपल इंस्टॉलेशन पे भी क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए ओके और इसको बंद कीजिए ओके बंद कीजिए ओके। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सॉरी कुछ भी नहीं है सर, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है मैंने सामने, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ करके मैं दिखाता हूँ। URL सामने ये URL है, ये URL लगाइए blogspot.com cpmsn blog dot blog .in यूज कीजिए। आउट कनेक्शन विंडो पीसी पे क्लिक कीजिए। इसके लिए आपको
install multi-user page from your host PC and restart. First line is installation multi-user page on host PC and restart the PC. आप पहले उस पे सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करेंगे जो मैंने किया इंस्टॉलेशन पे, इंस्टॉलेशन पे डबल क्लिक कीजिए जो मैंने पहले बताया था आपको। उसके बाद आपके पीसी को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट होने पर क्रिएट यूजर्स विद पासवर्ड एडमिनिस्टर राइट। आप अपने यूजर पे कंट्रोल पैनल पे अपने पासवर्ड क्रिएट कीजिए यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाइए। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड प्रोटेक्ट कर कीजिए। ओके, उसके बाद आप करने के बाद आप एबल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, हमने क्या करना है एबल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करना है और विंडो फॉरवर्ड शुड बी ऑफ करना है। तो आपको दो काम करने हैं। हम पहले तो विंडो रिमोट कनेक्शन एबल करेंगे। इसके लिए हम प्रॉपर्टी पे जाइए, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ रिमोट सेटिंग में जाइए। रिमोट सेटिंग करने के बाद अलाउ कनेक्शन रनिंग एन एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप लेस कर, तो ओके सही है, ओके कीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद आप मैंने बताया कि हमें क्या करना है। चौथी स्टेप है विंडो फॉरवर्ड शुड बी ऑफ। तो ये विंडो फॉरवर्ड शुड बी ऑफ करना है आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही कंट्रोल पैनल पे जाना है। हमें कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद हमें सिस्टम सिक्योरिटी में जाइए, विंडो फॉरवर्ड में जाइए, विंडो फॉरवर्ड के टर्न ऑफ फॉर ऑफ में जाइए और इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। ठीक है, टर्न ऑफ है, ओके कीजिए। ओके, टर्न ऑफ करने के बाद आपको करना है सेट आईपी ऑन बोथ साइड होस्ट पीसी एंड थिन क्लाइंट। तो ये थोड़ा कठिन है, कठिन तो कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, आईपी सेट करनी है। तो आपके पीसी में आईपी सेट करेंगे हम और एक क्लाइंट पीसी पे आईपी सेट करेंगे। तो इसके लिए हम पेंट पे क्लिक कीजिए, सॉरी पेंट पे आपको कुछ क्लिक नहीं करना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यह आपका पीसी है और एक क्लाइंट पीसी है, ठीक है ना। ये आपका पीसी है, सर्वर कितने जिसे हम, और ये आपका पीसी है सर क्लाइंट। ओके, तो इसमें आईपी आपको लगानी है 192.168.1.100। और इसमें जब हम आईपी लगाएंगे, इसमें लगाएंगे 192.168.1.100 से लगाएंगे, यानी 0.1.0.100.0.102। नेक्स्ट आईपी जैसे नेक्स्ट पीसी जोड़ना है तो उसके लिए हमें जैसे नेक्स्ट पीसी जोड़ना है तो नेक्स्ट पीसी के लिए हम लगाएंगे आईपी बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे 100 की जगह 102 कर देंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें आईपी लगानी, तो यहाँ लगाएंगे हम आईपी, इस पीसी के लिए आईपी लगाएंगे 192.168.1.103। तो ऐसे लगाते जाएंगे। तो ये सब मेन पीसी को
मेन पीसी के आईपी मेन ही रखेंगे हम, मतलब 100 रखेंगे, बाकियों के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब बढ़ाते रहेंगे। जो सब जैसे कि मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मेरे कंप्यूटर में, तो हमें क्या करना है, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाइए, यहाँ पे ये आईपी सेट करनी है हमें, जैसे जैसे हमें अपने नीचे नेटवर्क ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी जाने बाद हम आईपी वर्जन आईपी वर्जन चूज करेंगे और यहाँ पे हम आईपी अपनी आईपी डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, सब हटा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे ओविटेंडली पे सब हटा देता हूँ, यहाँ पे 192.168.1.100 ठीक है, ये अपना आईपी रहेगा। फिर टैब बटन दबा के हम ये डिफॉल्ट रखेंगे और इसमें भी हम 192.168.1.11 रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 8.8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 1.8 इसमें भी हम 8.8 ओके। अल्टरनेट 1.11 कर लेते हैं, अल्टरनेट ओके ओके कर दीजिए, क्लोज कर। इसके बाद हम ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन 100 वाली आईपी की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इससे हम जो भी पीसी कनेक्ट करेंगे, अब नेक्स्ट पीसी जो भी हम कनेक्ट करेंगे, जो भी नेक्स्ट पीसी कनेक्ट करेंगे, ये 100 वाली जो आईपी है, इस आईपी से हम लगाएंगे ये आईपी, सब नेट मार्क्स भी ये रखेंगे, और डिफॉल्ट आईपी से कोई मतलब नहीं है अपना, बस मेन ये आईपी है, दो आईपी थे, तो 192.168.1.100 से हम जोड़ेंगे तो 101, 102, 103, 104, 105 रखेंगे ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन ये कर दी हमने, उसके बाद हम गो टू रन एंड टाइप gpedit.msc। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना विंडो की दबाएंगे, विंडो की प्लस R से हम कमांड पे जाएंगे, cmd कमांड लिखेंगे, cmd एंटर करेंगे और इसमें लिखेंगे, सॉरी कंट्रोल आर पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे gpedit.ms, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगी, ये इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें क्या करना है, जैसे इससे फॉलो करना है, एक्सपेंड द लिस्ट एंड स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट विंडो कंपोनेंट रिमोट डेस्कटॉप सर्विस रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट सिक्योरिटी डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड यूज ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लेयर फॉर रिमोट आर डीपी एंड कनेक्शन देन क्लिक ऑन द एबल एंड रिस्टार्ट। तो ये हमें पूरा करना है, तो इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पल में जाइए, विंडो कंपोनेंट में जाइए, और विंडो कंपोनेंट के बाद हमें जाना है रिमोट में,
डेस्कटॉप सर्विस ये इसमें जाना है, फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बाद हमें रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बाद हमें जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर में गए, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बाद रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट में जाना है। रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट ये वाला नीचे वाला, फिर इसमें जाना है हमें सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में हमें जाना है RDP कनेक्शन, इसमें जाना है, इसमें डबल क्लिक करना है। डबल कनेक्ट करने के बाद इसको हम एबल करना, एबल करने के बाद ओके करना है, अप्लाई ओके, ये काम करना है हमें। एक मोस्ट है ध्यान रखना इसको। ओके क्लोज, इसको क्लोज कर दीजिए, बाद में हमें इसको पीसी को क्या कर लेंगे, रिस्टार्ट कर देंगे। आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे क्लाइंट पीसी, गो टू क्लाइंट साइट एंट्री और सर्वर आईपी एट हिट बटन एंड कनेक्ट, हम एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। हमें जिस पीसी को भी कनेक्ट करना है उसके लिए हमें आईपी अलग से रखनी है और ये रखना है। तो उसके लिए फिर एक और चीज हमें करनी होती है वो ये है, जैसे कि हमें दूसरे पीसी को कनेक्ट करना है तो पासवर्ड रिक्वायर्ड पासवर्ड मांगेगा, तो उसके लिए आप पासवर्ड देना होता है। तो उसके लिए हमें दो काम करने हैं, एक तो मैनेज पे जाइए, कंप्यूटर मैनेज पे, और कंप्यूटर मैनेज पे जाइए, लोकल यूजर इस यूजर पे जाइए। जैसे हमने कोई भी पीसी बनाया है उसको सर्वर आईपी आपने 92.100 दी है, 2 दी है, 3 दी है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी होती है। वो ये है कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू यूजर बनाइए, न्यू यूजर में आपने जैसे पीसी 1, 2, 3, 4 कुछ भी दिया, यहाँ पे S1 लिखेंगे या कुछ भी लिखो आपके S1 PC1, और यहाँ पे हम पासवर्ड 1, 2, 3, 4, 5 में जैसे ये दे रहा हूँ, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से इसको हटा दीजिए, पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक कीजिए और नेवर चेंज पे क्लिक कीजिए और क्रिएट कीजिए। इस तरह आप जितने भी पीसी बनाएंगे, जितने भी पीसी कनेक्ट करने हैं, उस तरह सभी के अलग अलग यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड इस कंप्यूटर मैनेजमेंट में यूजर के अंदर बनाएंगे, उसमें पासवर्ड रखिए। फिर इसको हम माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाइए, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको वही रिमोट सेटिंग में सिलेक्ट यूजर, एड, एडवांस, फाइंड, अब ये फाइंड पे आपको जाना है S1, जैसे मैंने S1 पीसी क्रिएट किया तो S1 ओके, यहाँ पे S1 आ गया आपका पीसी, ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी, देन आफ्टर आप इस पीसी को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपके क्लाइंट पीसी पे जाइए, क्लाइंट पीसी पे आपको क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया, उस पे जो आईपी आपने से क्लाइंट पीसी है इस पे आपको आईपी 192.168.1.100 देनी है डिफॉल्ट आईपी, और मेन जो आईपी है वो आपको 92.168.1.100 देनी है। तो जिस पीसी से आप कनेक्ट कर रहे हो, ये जिस पीसी से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वो इस पीसी से देना है। एंड्रॉइड से
मेरा मतलब ये है कि जो ये आईपी है वो ये आईपी में गेटवे के रूप में देनी है, और ये आईपी है वो आपको डिफॉल्ट आईपी देनी है जो इस क्लाइंट पीसी के लिए, इसके खुद के लिए रहेगी, इस पीसी के लिए। और जो इस पीसी को आप कनेक्ट करना चाह रहे हो इस सर्वर से, तो ये 192.168.1.100 इस आईपी, इसकी मेन आईपी रहेगी, इसके बाद डिफॉल्ट आईपी इसकी ये रहेगी। तो ये आईपी ये कंप्यूटर इसको एक्सेस करेगा इस आईपी के द्वारा, और ये आईपी से ये कंप्यूटर एक्सेस करेगा इसको। तो इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप मुझे एक बार कॉल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।